मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लाइफ 360। दिस इज़ योर फ्रेंड शाश्वती। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट। तो आज हमारे घर में पूजा है, काली पूजा, तो सब बिजी है। कल हमने शॉपिंग वगैरह किया है, अभी जाना है मूर्ति लाने। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे हमारे घर में पूजा सब हो रहा है। जो भी हो रहा है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द डे। अभी सुबह के अराउंड बजे हैं 11 और हम सब यहाँ आए हैं मूर्ति लेने। तो ये रहा वो मूर्ति, तो हम अभी मूर्ति लेके जा रहे हैं। पहले हमने सोचा कार से लेके जाएंगे, पर कार में ये फिट नहीं हो रहा था, तो हमने इसको ठेले में रखा है। ठेले में लेके जाएंगे हम, और साथ में ये जयदीप के कजन है, ये जा रहे हैं। तो जयदीप के कजन मूर्ति लेके ठेले में आगे जा रहे हैं और हम सब कार करके पीछे आ रहे हैं। मूर्ति आने के कुछ देर पहले हम घर आ गए थे और अभी अभी माँ काली भी घर पहुंच गए हैं। और अभी जयदीप और उनके कजन दोनों मिलके भगवान को घर में लेके आ रहे हैं और इस जगह पे अभी रखा है, यहीं पे पूजा होने वाला है। अभी शाम के बजे है करीब 4:30 और मैं भोग के लिए 5 types of वेजिटेबल फ्राई कर रही हूँ। मेरा चटनी और दाल वगैरह हो गया है। मेरे सिस्टर इन लॉ ने खिचड़ी, देन पनीर की सब्जी, देन मिक्स सब्जी जिसे हम डालना कहते हैं वो भी बना लिया है। अभी मैं बना रही हूँ। तो दूसरे गेस्ट पर मैंने खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया है। अभी दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है, इसके बाद मैं खीर बना लूंगी। तो दूध अभी गाढ़ा हो रहा है, तो खीर मेरा बन गया है। अभी 5:30 के ऊपर बज गया है और पुरोहित महाशय भी आ गए हैं, तो रंगोली देने के लिए वो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कंप्लीट होने पर। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ की छोटी बहन है, ये अभी पूरी बना रही है। तो हम सब मिलके काम किया है, मतलब ठाकुर जी की भोग बनाया है। और पुरोहित जी का भी रंगोली बनाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पूजा के टाइम इसी टाइप रंगोली बनाना पड़ता है, इसे कहते हैं भद्रमंडल। कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके ऊपर ही घाट स्थापित होने वाला है। तो ये रहा वो कंप्लीट लुक भद्रमंडल का, और पुरोहित जी इसके ऊपर ही घाट स्थापना करेंगे। सो अभी पुरोहित जी कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। अभी मैं, मेरे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मेहमान सबके लिए ऊपर खाना बनने वाला है, इसीलिए हम अग्नि देवता और भगवान को थोड़ा पूजा कर लेंगे। ऐसा कहना है कि पूजा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान के आशीर्वाद से खाना अच्छा बने और पूजा में जो भी आए वो अच्छा से खा सके। अभी शाम के बजे हैं 7 और पूजा अभी अभी शुरू हुआ है।
आप लोग भी इस वीडियो के जरिए माँ को प्रणाम कर लीजिएगा। अभी माँ को भोग लगाया जाएगा, इसीलिए मैं एक एक करके सारे चीजों लाके रख रही हूँ। अभी रात के बजे हैं अराउंड 12:30 और अभी होम होना है, तो इसके लिए पुरोहित महाशय रंगोली बना रहे हैं और होम भी अभी अभी शुरू हुआ है। पूजा खत्म होते होते रात के करीब 2 बज गया था। आज है नेक्स्ट डे आफ्टरनून और अभी हम सब माँ को टीका वगैरह लगा रहे हैं और स्वीट खिला रहे हैं, क्योंकि अभी होने वाला है मूर्ति विसर्जन और घर के सारे लोग एक एक करके माँ को कर रहे हैं प्रणाम। और ये रहे हमारे घर के सारे मेंबर्स और कुछ रिलेटिव्स। सो अभी विसर्जन के लिए माँ को बाहर लेके जा रहे हैं। विसर्जन के लिए माँ को अभी हम टेम्पो में लेके जा रहे हैं। हम में से कुछ जाएंगे टेम्पो करके और बाकी सब आने वाले हैं कार करके। सो ऑल सेट और हम सब चल दिए। ये एक अलग से एक्सपीरियंस था और बच्चों ने किया है सबसे ज्यादा एंजॉय और हम सब ने भी एंजॉय किया है। मूर्ति विसर्जन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ जगह प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसी में से एक जगह पर आए हैं, पर पानी बहुत ही कम था। तो विसर्जन बहुत अच्छी तरह से हुआ है और अभी हम सब घर वापस जा रहे हैं। सो हम सब पहुंच गए हैं घर और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस ब्लॉग को देखा है then do consider to subscribe my channel। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी हैप्पी एंड सेफ।